योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक महीना आज पूरा हो गया है। इस दौरान सरकार ने अपने अब तक के इस कार्यकाल में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए। वहीं 100 दिनों का खाका तैयार करने के लिए भी सीएम योगी ने निर्देश दिया है। तो योगी सरकार के एक महीना पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्राइम टीवी से बात करते हुए विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमारे सामने कोई भी नहीं टिकने वाला है और हम लगातार जनता के हित के लिए काम करते रहेंगे। और क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ने, आप भी देखिए। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आज एक महीने पूरे हो रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक महीना पूरा हो गया है, आप लोगों का एजेंडा है 100 दिन का, एक महीने में जो काम हुए उसे 100 दिन में और कैसे बेहतर किया जाएगा और आने वाले 5 साल में क्या रोड? संकल्प पत्र के अनुसार, लिए गए निर्णय के अनुसार, जनता के द्वारा दिए गए जनादेश के अनुसार हमारी सरकार प्रदेश की जनता की सेवा में, प्रदेश की सेवा में समर्पित है, अच्छे से काम कर रही है। लोग हमारे काम को वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। नतीजे आए थे तो विपक्ष कह रहा था कि हम उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हैं और बीजेपी को काम सही तरीके से करने नहीं देंगे जो सरकार अगर जनता के विरोध में कोई काम करती है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार विपक्ष में जो चीजें हैं वो निकल कर ये आ रही है कि लगातार उसमें टूट है। शिवपाल यादव का अलग मामला चल रहा है, आजम खान का अलग, हमारा उस पर ध्यान नहीं है। हमें जो जनादेश मिला उसके अनुसार जनता की सेवा पर ध्यान है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती पर ध्यान है और हमारा यही एकमात्र लक्ष्य है और इस लक्ष्य के अनुसार हम लोग काम करेंगे, ऐसा हम लोगों का संकल्प। धन्यवाद। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जनता के साथ हम लोग काम करते आए हैं और जनता के साथ ही काम करेंगे। कैमरा पर्सन सुमन के साथ मैं नितिन पाटिल।